देश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या में अब तक का सबसे बड़ा उछाल आया है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 1211 नए मरीजों के मिलने से देश में कुल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 10,000 के पार पहुंच गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना से 10,363 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि मौत का आंकड़ा 339 पहुंच गया है। 1,035 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है, जबकि 8,988 मरीजों का अभी भी अस्पतालों में इलाज चल रहा है। ये आंकड़े इस मायने में अहम है कि संक्रमित मरीजों के मामले में भारत अब साउथ कोरिया के नजदीक पहुंच गया है, जबकि मौत के मामले में साउथ कोरिया से आगे निकल चुका है। साउथ कोरिया में फिलहाल कुल मरीजों की संख्या 10,564 है और यहां 222 लोग कोरोना की वजह से मर चुके हैं। साउथ कोरिया उन देशों में है जहां चीन में संक्रमण फैलने के बाद सबसे ज्यादा मरीज मिले थे। जनवरी में चीन के अलावा इटली, ईरान और साउथ कोरिया सर्वाधिक प्रभावित देशों में शामिल थे। हालांकि साउथ कोरिया ने कोरोना की महामारी को लगभग रोक रखा है और उसके मॉडल की दुनिया भर में चर्चा हो रही है, लेकिन अन्य देशों की हालत बदतर होती चली गई। भारत में कोरोना के आंकड़े चिंताजनक स्तर पर पहुंच चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।